तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का आप सुन रहे थे साफ तौर पर। उन्होंने कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी, आप भी लगातार आवाज उठाते रहे और कई बार आपने भी कहा है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन गोपाल केसावत पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 18.5 लाख के साथ ये ट्रैप किए गए हैं। ये तो एक गोपाल है, ऐसे बहुत गोपाल है मैडम। मैं पत्रकार वार्ता 7-8 दिन पहले कर चुका था। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि रिटेल में गड़बड़ हो गया और प्रिंट रूम में भी होगा, आप इनको रोको, फुल कमीशन होना चाहिए, 3 मेंबर बैठे हुए हैं। और वो संजय सरोती जिसमें मैंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच तक नहीं हुई। इनको आप रोक के पूरा RPSC के सिस्टम तंत्र को बदलो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये तो एक गोपाल है, पता नहीं कितने गोपाल RPSC के मेंबर से जुड़े हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं और कैसे आरए बन के आएंगे, जैसे सब इंस्पेक्टर बन के आए, वो क्या प्रशासन को प्रदेश में चलाएंगे? बड़ा हाइट ऑफ दी करप्शन है RPSC में। मैंने सेकंड ग्रेड टीचर में भी कहा था, सब इंस्पेक्टर में भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी एक आध गोपाल केसावत को पकड़ा गया है, वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हम ही कर रहे हैं ना। तो आप शिव सिंह राठौड़ को पकड़ो ना। मैंने शिव सिंह राठौड़ के प्रमाण दिए थे कि शिव सिंह राठौड़ ने किस प्रकार से इस सरकार ने, गोविंद डोटासरा ने, भूपेंद्र यादव जो चेयरमैन थे उनको फोर्स लीव पर भेजा, शिव सिंह राठौड़ को बैठाया और अपने आधा दर्जन रिश्तेदारों को आरएस बनवा डाला। जरा उससे भी पूछवा लो ना आप शिव सिंह राठौड़ से, तो पता लग जाएगा, सारी कलई खुल जाएगी आप लोगों की। ठीक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने।